गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कल हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस करी थी। उसमें सबसे पहली रिएक्शन हम कॉम्बिनेशन कर रहे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं आज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या रहती हैं? ध्यान से समझना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच द एनर्जी इज इवॉल्व्ड। एनर्जी इवॉल्व हो, रिलीज्ड हो, एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, CaO ले लिया। एक हमने जो हम पहले पेंट करते थे, कली करते थे, उसमें क्या लेते थे, चूना लेते थे, उसमें पानी डाला जाता था। जैसे ही पानी डालते हैं तो उसमें से एनर्जी हीट बाहर निकलती है। उस चूने को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसका अनदर नेम है क्विक लाइम। क्विक लाइम किसका नेम है? कैल्शियम ऑक्साइड का। जैसे ही मैंने इसमें वाटर डाला, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम दूसरा नेम देते हैं स्लेक्ड लाइम। प्लस बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। मीन्स यहां पर क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो हम क्या कहेंगे इस रिएक्शन को? एक कौन सी रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये नेम्स ध्यान रख लेना, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। अब देखो, अब इसी चीज में हम एक क्वेश्चन चेक करते हैं, ध्यान से समझना। कहता है व्हाई रेस्पिरेशन is known as exothermic reaction. Respiration process है क्या? Respiration process में होता क्या? Actually respiration process, ये बात ध्यान रखना, एक exothermic process है। हमने food eat up किया, फूड हमारी बॉडी में जाकर के स्टोर हो गया ग्लूकोज की फॉर्म में। मैंने रेस्पिरेट किया, सपोज करो C6H12O6 की फॉर्म में फूड स्टोर हो गया। मैंने रेस्पिरेट किया, रेस्पिरेट करने में क्या होगा? ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी और ये चीज ब्रेक डाउन हो जाएगी CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमारे पास इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है, जिससे कि स्टोर्ड फूड किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी क्या रिलीज कर रहा है? एनर्जी रिलीज कर रहा है। बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि कौन सी रिएक्शन है? This one is the exothermic reaction. ध्यान रहेगा, इसको इक्वेशन को नोट डाउन करना, प्लस इसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर राइट डाउन करें।